तो दोस्तों क्या लगा आपको, क्रिक माइंड इस बार वीकली रिवाइंड लेकर नहीं आएगा? नहीं। इस हफ्ते आप बिना चटपटी खबरों के रह जाएंगे? नहीं। क्रिकेट के बाजार में क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा? तो अगर आप भी यही सोच रहे थे तो आपकी गलतफहमी है। आप भी ठीक करके देता हूँ, क्योंकि हम देरी से ही सही लेकिन ले आए हैं क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड का बेहद ही जरूरी एपिसोड। अभी एपिसोड जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के ख्वाब से लेकर इंडिया में होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक सबके इनसाइट्स पर बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते और आने वाले हफ्ते खबरों में रहने वाली इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की खबरों से, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले तो इंडियन मैनेजमेंट पर टर्निंग ट्रैक को लेकर उंगलियां उठाई, फिर ख्वाजा के वीजा ठीक न होने के चलते लेट होने को साजिश बताया और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने के दावे करके प्रेशर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जबकि मैदान के अंदर एक इंडियन महेश पीथिया, जो कि अश्विन स्टाइल के बॉलर हैं, उनके सामने खुद को आने वाले मैचों के लिए तैयार कर रहे हैं। वो महेश पीथिया जिन्होंने अश्विन से मिलते ही उनके पैर छुए और गले लगाकर आगे बेहतर करने की बात कही। कुल मिलाकर बड़ी बात को छोटा करते हुए कहें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम बौखलाई हुई है। उन्हें पता है कि इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए इस सीरीज बहुत जरूरी है, इसलिए टर्निंग ट्रैक मिलेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को यही खतरा है क्योंकि फ्लैट ट्रैकर पर वो क्या कर सकते हैं हमने पाकिस्तान में देखा ही। अब देखना है कि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के डर को सही साबित करती है या नहीं। बाकी आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक टेस्ट का पहला दिन पूरा हो गया होगा, इसलिए हम कल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक प्रॉपर प्रीव्यू लेकर के भी आएंगे। हालांकि प्रीव्यू पहले आना चाहिए था लेकिन कुछ जरूरी काम के चलते थोड़ा हम लेट हो गए हैं। इंडिया की बड़ी खबर के बाद अब रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां पहले पाकिस्तान ने एशिया कप को उनके देश में कराने को लेकर कड़ी बात कही तो इंडिया ने भी कोहली और रोहित जैसे बड़े सितारों के बिना स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने की बात कहकर आईना दिखाया और पाकिस्तान को मजबूर किया एशिया कप पाकिस्तान से बाहर करने के लिए। जिस पर पाकिस्तान का जवाब आता है उससे पहले पेशावर और क्वेटा के पीएसएल एग्जीबिशन मैच में क्वेटा स्टेडियम के बाहर ब्लास्ट की खबर भी आई, जिसमें 5 लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई है। हादसा परेशान करने वाला जरूर था लेकिन पाकिस्तान के जेस्टर ने ऑडियंस को मौका दे दिया और जस्ट ब्लास्ट के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिक्योरिटी को खूब ट्रोल किया। बाकी मैदान के अंदर की बात करें तो उस मैच में इफ्तिखार ने वहाब रियाज को एक ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा अंजाम दिया, जिसके बाद इफ्तिखार की जितनी तारीफ छक्के मारने पर हुई उतनी ही खेली वहाब के छक्के खाने पर उड़ी, जिसके पीछे वहाब के खेल से ज्यादा उनका रुतबा है। आपने सही सुना, वहाब रियाज जिन्होंने इफ्तिखार से छक्के खाए वो पंजाब प्रोविंस के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इस पर फैंस समेत पाकिस्तान के प्लेयर्स ने भी खूब मजाक किया। वैसे ये तो सच है कि वाकई पाकिस्तान कमाल देश है, ये हमारी नजर में तो पहला मौका ही है जब एक क्रिकेटर अपने करियर के दौरान मिनिस्टर भी है। अब ये बातें पाकिस्तान में ही मुमकिन है। दोस्तों इस हफ्ते एक बड़ी डेवलपमेंट विमेंस आईपीएल को लेकर के भी हुई, जहां 1525 प्लेयर्स में से 409 प्लेयर्स का ऑप्शन टेबल पर जाना तय हुआ। इस लिस्ट में खास बात यह है कि हाईएस्ट बेस प्राइस यानी 50 लाख वाली कैटेगरी में 24 प्लेयर्स का नाम है, जिसमें आधे से ज्यादा इंडियन विमेंस का नाम होना बेहतर होते इंडियन क्रिकेट के स्टैंडर्ड को दर्शाता है। बाकी इस बार विमेंस आईपीएल की डेट्स का भी पता चला। सोर्सेज के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट 4 मार्च को शुरू होगा और 26 को फाइनल के साथ एंड होगा। इस हफ्ते एक बड़ी खबर बांग्लादेश से भी आई, जहां इंग्लैंड से होने वाली सीरीज को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बांग्लादेश टीम फुल फॉर्म में दिख रही है, उन्होंने और बेहतर खेल के लिए तमीम को बीपीएल से रेस्ट भी दिया है। तमीम इकबाल कई महीनों से चोट के चलते क्रिकेट से दूर थे, मगर जल्द ही उनके फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। इस हफ्ते 2 बड़े रिटायरमेंट भी आए, इंडिया की तरफ से इंडिया को पहला टी20 वर्ल्ड कप जितवाने वाले जोगिंदर शर्मा ने संन्यास ले लिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से एरन फिंच ने भी टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए अपने करियर पर पर्दा गिरा दिया है। दोस्तों मैदान के अंदर की खबरों की यानी सीरीज और टूर्नामेंट की बात करें तो पिछले हफ्ते इंडिया ने न्यूजीलैंड को गिल के शानदार शतक के दम पर हराकर वापस भेजा था, जिस पर हमने खुलकर चर्चा की हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट वाले एपिसोड में, क्योंकि ये परंपरा है कि क्रिकमाइंड कोई खबर मिस नहीं करता, इसलिए इस मैच को दोबारा यहां मेंशन किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही अगली खबर भी थोड़ी पुरानी है मगर जरूरी है। पिछले क्रिक माइंड एपिसोड के जस्ट बाद इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का लास्ट मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने जीत हासिल कर साउथ अफ्रीका के लिए वनडे वर्ल्ड कप में सीधे क्वालिफाई करने की राह मुश्किल कर दी है। हालांकि साउथ अफ्रीका सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाब रहा, जिसमें टेम्बा बबुआ ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने अच्छे और जरूरी रन बनाने के साथ अपने ऊपर उठ रहे सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो इस तरह टेम्बा बबुआ ने साउथ अफ्रीका के लिए कुछ अच्छा याद रखने वाला कारनामा किया है। अब देखना यह है ये कॉन्फिडेंस मुसीबत में पड़ी साउथ अफ्रीका को कैसे बेहतर स्थिति में लेकर के आता है। दोस्तों इस हफ्ते जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का भी आगाज हुआ। जिम्बाब्वे के दौरे पर गई वेस्टइंडीज टीम ने बड़े शानदार अंदाज में पहली पारी में 6 विकेट खोकर 447 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे ने 379 रन बनाए। फिर अपनी दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने 203 पर पारी समाप्त घोषित की और जिम्बाब्वे को मुश्किल लक्ष्य दिया। 272 रनों के टारगेट के सामने जिम्बाब्वे टीम लड़खड़ाई जरूर लेकिन 54 ओवर खेलकर हार टालने में कामयाब रही और इस तरह सीरीज की शुरुआत ड्रॉ टेस्ट के साथ हुई। इस टेस्ट में जिम्बाब्वे की तरफ से इंग्लैंड छोड़कर आए गैरी बैलेंस का शतक खूब चर्चा में रहा, लेकिन सबसे ऊपर
शिव नारायण चंद्रपाल के बेटे तेग नारायण चंद्रपाल के नाबाद 207 रन रहे और वही मैन ऑफ द मैच भी रहे। मेंस क्रिकेट के बाद बात विमेंस क्रिकेट की करें तो पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में हुई ट्राई सीरीज का फाइनल हारकर भारत टी20 वर्ल्ड कप के वार मैचों में पहुंच गया है, जहां उन्होंने बांग्लादेश को हराया मगर ऑस्ट्रेलिया से करारी हार भी झेली। सीधे सीधे कहें तो पिछले वर्ल्ड कप की रनर अप रही विमेंस टीम से इस बार बहुत उम्मीदें हैं मगर शुरुआत उस हिसाब से नहीं हुई है। खैर दुआ तो यही है कि कल से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में इंडियन विमेंस टीम जरूर झंडे गाड़ेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद लीग क्रिकेट की बात करें और शुरुआत करते हैं बिग बैश लीग से, जहां पर्थ स्कॉचर्स ने ब्रिस्बेन हीट्स को बेहद ही रोमांचक फाइनल मैच में 5 विकेटों से हराया। इस तरह बिग बैश लीग 2023 का सफल अंत हुआ। इस पूरी लीग में शानदार खेल दिखाने वाले मैथ्यू शॉट को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पूरी हुई बिग बैश लीग के बाद अब बात करते हैं वर्ल्ड में चल रही लीगों के प्रेजेंट्स की, जहां इंटरनेशनल लीग टी20, साउथ अफ्रीका 20 और बांग्लादेश प्रीमियर लीग तीनों अपने लास्ट लैप में है। साउथ अफ्रीका वाली लीग में प्रिटोरिया कैपिटल्स फाइनल में है। उनके फाइनल्स के लिए जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप आपस में भिड़ेंगी। उधर बांग्लादेश का लीग स्टेज लास्ट लेवल पर है, वहाँ सिलहट और रंगपुर का टॉप पर आना तय है, जबकि इंटरनेशनल लीग टी20 में डेजर्ट वाइपर फाइनल में है, जिनके फाइनल्स के लिए मुंबई इंडियंस एमिरेट्स, दुबई कैपिटल्स और गल्फ ज्वाइंट्स एलिमिनेटर और क्वालिफायर में भिड़ेंगे। बाकी न्यूजीलैंड की सुपर स्मैश लीग का भी फाइनल हो गया है, वहाँ नाथन नाइट्स ने 16 रनों से फाइनल मैच जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की है। अब चलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ, जहां रणजी ट्रॉफी से ज्यादा चर्चा और किसी चीज की नहीं है। 2022-23 रणजी ट्रॉफी अब अपने आखिरी चरण में है। क्वार्टर फाइनल के बाद बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और सौराष्ट्र सेमीफाइनल में है, जहां पहले दिन के बाद मध्य प्रदेश पर बंगाल का और सौराष्ट्र पर कर्नाटक का पंजा कसा हुआ दिख रहा है। वैसे पिछले हफ्ते रणजी में कई यादगार प्रदर्शन हुए, लेकिन सबसे चर्चित और दिल को छू लेने वाली घटना को आंध्र प्रदेश के कप्तान हनुमा विहारी ने अंजाम दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल मैच में लेफ्ट हैंड इंजर्ड होने के बावजूद बैटिंग की। उन्होंने राइट हैंड की जगह लेफ्टी स्टांस लिया और दोनों पारियों में जरूरी रन बनाए। हालांकि उनकी टीम जीत नहीं पाई, लेकिन लड़ी जरूर और हनुमा विहारी मिसाल बने। तो दोस्तों आज के क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड एपिसोड में इतना ही। बाकी फेसबुक से जुड़े दोस्तों को बता दें कि हमारा खबरों का सिलसिला वहां फिर से शुरू होने वाला है, इसलिए आप वहां भी लगातार खबरों के लिए जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।